जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको इस तरह की सतरंगी माला बनाने के सिखा लूंगी जो होली में हम ठाकुर जी को धरा सकते हैं। इसलिए हमको चाहिए पर्पल कलर के मोती, स्काई ब्लू कलर के मोती, पैरोट ग्रीन, येलो पीच कलर के मोती, केसरी कलर के मोती, रेड कलर के और वाइट कलर के मोती। हमको चाहिए कैंची, धागा और पछिंदी के लिए ब्लैक कलर के धागे। अब जीरो, अब हम पहले व्हाइट मोती लेंगे और फिर थ्री पर्पल कलर के मोती लेंगे। एक, दो, तीन, इस तरह पर्पल कलर के तीन मोती लेंगे। फिर एक व्हाइट लेंगे, फिर पर्पल कलर के तीन मोती लेंगे। एक, दो, तीन, फिर व्हाइट मोती। इस तरह हमें छह बार ये लाइन में पर्पल मोती लेना है। लेने के लिए इस तरह हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब हम फिर एक व्हाइट मोती लेंगे और जो पहली लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सोई निकालेंगे। हम दूसरी लाइन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब जो ये दूसरा मोती आपने व्हाइट लिया है उसमें से सोई निकालनी है। अब स्काई ब्लू कलर के चार मोती लेंगे। एक, दो, तीन, चार, और फिर व्हाइट लेंगे और ये पहली लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सोई निकालेंगे। इस तरह फिर हम व्हाइट मोती में से फिर से सोई निकालेंगे। फिर स्काई ब्लू कलर के चार मोती लेंगे। एक, दो, तीन, चार, फिर एक व्हाइट लेंगे और जो पहली लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सोई निकालेंगे और फिर से व्हाइट मोती में से सोई निकालेंगे। इस तरह हम पूरी तरह इस यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लास्ट तक पहुँच गए हैं, इसलिए हमने फिर से चार कलर के स्काई ब्लू मोती ले ली है और एक व्हाइट, और ये जो पहली लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से हम सोई निकालेंगे। इस तरह फिर से ये स्काई ब्लू वाला व्हाइट मोती है उसमें से सोई निकालेंगे। अब हम तीसरी लाइन साइड करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले व्हाइट कलर के मोती लेकर ये जो दूसरी लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सोई निकालेंगे और ये फिर से व्हाइट मोती में से सोई निकालेंगे। अब हम तीसरी लाइन के ये व्हाइट मोती में से सोई निकाल ली है। अब हम फाइव पैरोट ग्रीन मोती लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, और एक व्हाइट मोती लेंगे। हमें हर बार एक एक मोती बढ़ते जाना है और व्हाइट मोती में से सोई निकाल कर फिर से व्हाइट मोती में से सोई निकालेंगे। इस तरह जो पहली बार किया है उसी तरह हमें करके जाना है। अब फिर से फाइव मोती लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर एक व्हाइट लेके इस व्हाइट में से निकालेंगे। इस तरह हम तीसरी लाइन भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए फाइव मोती। एक, दो, तीन, चार, पाँच, और एक व्हाइट लेंगे और ये स्वाइस में से सोई निकालेंगे। फिर से ये जो तीसरी लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सोई निकालेंगे। इस तरह हमारी थ्री लाइन कंप्लीट हो गए। अब हम फोर्थ लाइन चालू करने जा रहे हैं, तो फिर से व्हाइट मोती लेंगे और ये जो तीसरी लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सोई निकालेंगे। फिर से इस तरह व्हाइट मोती में से सोई निकालेंगे। अब हम येलो कलर के मोती लेंगे। सिक्स, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और व्हाइट कलर के एक मोती लेंगे। जो ये
तीसरी लाइन का व्हाइट मोती है, उसमें से सुई निकालेंगे और ये व्हाइट मोती में से फिर से सुई निकालेंगे। फिर से हम येलो कलर की मोती लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से एक व्हाइट मोती लेकर अब हम लास्ट तक पहुंच गए हैं। तो फिर से हम येलो कलर के 6 मोती लेकर व्हाइट मोती में, इस तरह हमारी 4 लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम फिफ्थ लाइन चालू करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें व्हाइट मोती लेना है और एक व्हाइट मोती ये फोर्थ लाइन वाली व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे और फिर से व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे। अब हम मस्टर्ड येलो लिया है उसमें जो है हम 7 मोती ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये व्हाइट मोती लेकर ये जो फोर्थ लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह और फिर से व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे इस तरह। इस तरह हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक व्हाइट लेकर इस व्हाइट में से सुई निकालेंगे और फिर से व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे। अगर आपको हमारी ये माला परचेज करनी है तो आप हमारी वीडियो में जाकर कमेंट करना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब हम जब भी लास्ट तक पहुँचेंगे तो इसी तरह हमारे लेना है व्हाइट मोती लेकर ये जो पहली लाइन का व्हाइट मोती है चौथी लाइन का उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह, फिर इसमें से सुई निकालेंगे व्हाइट मोती। अब व्हाइट मोती लेकर फिर से ये जो अगली लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सुई निकालेंगे। अब हमारी 6th लाइन चालू जाने रही है तो इसके लिए हमको लेना है केसरी कलर के 8 मोती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह 8 मोती लेकर व्हाइट मोती लेकर जो अगली लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सुई निकालनी है। मैं इस वीडियो में आपको कुंडल भी बनाना सिखाऊंगी। फिर से ये व्हाइट मोती में के से सुई निकालेंगे इस तरह। इस तरह हमें ये लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह हम लास्ट तक पहुंच गए हैं। लास्ट तक फिर हमें केसरी कलर के 8 मोती लेना है और एक व्हाइट मोती लेकर जो ये पहली लाइन का व्हाइट मोती है 5वीं लाइन का उसमें से सुई निकालेंगे। फिर से ये मोती में से सुई निकालेंगे व्हाइट कलर के मोती में से। फिर हम 7 लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम फिर से एक व्हाइट मोती लेकर ये जो अगली लाइन का व्हाइट मोती है उसमें से सुई निकालेंगे और फिर से ये मोती में से व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे। ये माला बहुत सुंदर लगती है, कान्हा जी को बहुत सुंदर रहती है, होली में इस माला को बहुत सुंदर लगती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब 7 लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे रेड कलर के मोती 9 लगे, 9 मोती लेंगे रेड कलर के, फिर एक व्हाइट लेंगे और फिर ये व्हाइट मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह। हम इस तरह हमारी लाइन कंप्लीट करते जा रहे हैं। इस तरह होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मोती लेंगे, फिर एक व्हाइट मोती लेंगे और ये व्हाइट मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह। फिर से ये व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे। हम इस तरह हमारी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लाइन भी हमारी कंप्लीट हो जा रही है, हम इस व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे।
फिर से इस व्हाइट मोती में सोने निकालेंगे। अब हम नीचे तीन तीन मोती लेकर इसको पदक तरह से हम लगाएंगे। आपको पदक चाहे तो पदक लगा सकते हैं, घुघरी चाहे तो घुघरी लगा सकते हैं। मैं मोती के लिए मोती से बनाती हूँ, तो एक दो तीन, ये तीन मोती लेकर ये वाला जो तीन मोती है उस उल्टी साइड से सुई निकालनी है। इस तरह हमारा कंप्लीट होगा। और हम फिर से ये नाइन मोती लिया है रेड कलर के, उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह, और व्हाइट मोती तक पहुँचना है हमारे। ये व्हाइट मोती तक पहुँच गए, फिर से हमें तीन मोती लेना है, एक दो तीन। तीन मोती लेकर ये व्हाइट वाला तीन मोती है उसमें से सुई निकालेंगे, और फिर से ये नाइन मोती में से सुई निकालेंगे। इस तरह हम हर बार तीन मोती लेकर इस तरह बनाते जाएंगे, इस तरह हमारा बनाते जाएगा। व्हाइट मोती में से हमें सुई निकाल लेंगे। अब तीन मोती लेंगे, एक दो और तीन, इस तरह हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हम लास्ट तक पहुंच गए हैं। फिर से ये तीन मोती व्हाइट लेकर ये लास्ट वाला व्हाइट मोती है उसमें से इस तरह सुई निकालेंगे। यहाँ हमारे माला जी कंप्लीट हो गई है इस तरह। अब हम नोट लगा लेंगे और पछिंदा बांध लेंगे। इस तरह हमारी सुंदर माला कंप्लीट हो गई है। अब हम कुंडल बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमको ये सेवन कलर है, सेवन कलर के एक एक मोती लेना है। एक पहले हम पर्पल लेंगे, एक स्काई ब्लू, एक पेरोट ग्रीन, एक येलो, एक मस्टर्ड येलो, एक केसरी रेड और वाइट। इस तरह के हम एक एक मोती ले लिए हैं। और ये व्हाइट ये पर्पल वाला मोती है उसमें से सुई निकालेंगे इस तरह हमारा राउंड हो जाएगा। फिर ये व्हाइट मोती है, हमने पर्ल मोती लिया है व्हाइट, ये निकालेंगे इसमें से सुई। और जो ये व्हाइट मोती है वो बीच में लगाकर जो सामने वाला मोती आता है मस्टर्ड, उसमें से सुई निकालेंगे। फिर से हम सुई निकालेंगे, और जो ये हमारा व्हाइट मोती है उसमें से सुई निकाल कर हम दो व्हाइट मोती लेंगे, एक दो, इस तरह एक व्हाइट मोती लेंगे, दो व्हाइट मोती, और जो एक छोड़कर एक व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे। फिर से हमें जो व्हाइट मोती में से सुई निकालेंगे उसमें से सुई निकालेंगे। यह हमारा लटकन वाला होगा इस तरह हमारा कुंडल भी कंप्लीट हो गए हैं। अभी इस तरह ही बना लेंगे। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई हो, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।